जिला रामबन तहसील राजगढ़ शिक्षक जोन बटोत के सरकारी हाई स्कूल भड़तुंद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल में पूरे शिक्षक न होने के कारण पढ़ाई में परेशानी उठानी पड़ती है। स्कूल में 340 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। हाई स्कूल भड़तुंद में एक हेडमास्टर, 6 मास्टर ग्रेड, एक टीचर पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट और इसके अलावा एक लैब असिस्टेंट की खाली पोस्ट पड़ी है, जिससे स्कूल में स्कूल स्टाफ की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी विषय पर बातचीत करते हुए पूर्व सरपंच गुलाम हसन डार, नायम तुलाह अजरगर, हरदेश सिंह, राजिंदर सिंह चिब ने मीडिया को बताया कि सरकारी हाई स्कूल भड़तुंद में सभी खाली पड़े पदों को पूरा किया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा गया कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए भी डेस्क की कमी है, स्कूल बिल्डिंग की भी कमी है। बातचीत करते हुए यह भी कहा गया कि स्कूल के एक बिल्डिंग को विभाग R&B ने कुछ वर्ष पहले स्कूल बिल्डिंग को बनाया था, लेकिन उसे विभाग शिक्षा के हवाले नहीं किया गया। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकारी हाई स्कूल भड़तुंद के बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और अन्य जरूरी फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाए। बताएं, साबिक सरपंच हैं यहाँ पे आप, क्या समस्या चल रही है स्कूल्स के मसले पे आपका? यह सर हमारी ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो है 450 हमारे बच्चे हैं, 5 लोग इनको पढ़ाने वाले हैं सर। ये हमारे बच्चों के साथ जुल्म है सर। हम गवर्नमेंट को यही गुजारिश करते हैं कि हमारे स्टाफ में यहाँ बहुत परेशानी है, हमें यहाँ स्टाफ चाहिए और यहाँ जनाब तकरीबन हमारे 450 बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ मास्टर क्या करेंगे, कैसे 450 बच्चों के साथ 5 मास्टर जो हमारे हैं वो इनको पढ़ा सकेंगे। तो हमारी यही समस्या है, मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ आए। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, बाकी हमारे ग्राउंड की हालत खस्ता हाल है और यहाँ कुछ डेस्कों की भी कमी है। तो हमारी यही गुजारिश है जनाब से। और यहाँ पर एक दूसरी समस्या वो भी मैं बोलूँगा, तो समस्या ये है सर पानी की, जो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ एक होज बन रहा था, अभी वो काम बंद है। तो जनाब हमारी ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट ये है स्टाफ की, क्योंकि स्टाफ की यहाँ पर बहुत कमी है। तो हम यहाँ बहुत मजबूर हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, कैसे पढ़ाएंगे? या 4-5 मास्टर पढ़ाने वाले हैं तो 450 बच्चे हैं जनाब, यही बस जनाब। हाँ सर, दूसरी जो बिल्डिंग हमारी यहाँ इन्होंने बनाई थी R&B वालों ने, तो जनाब वो 10 कमरे थी, 5 ही कमरे बनी और स्टाफ कर दिया और उसको एजुकेशन के हवाले भी नहीं किया। तो ये भी समस्या है, हमारे बच्चे इस वक्त बाहर धूप में, तपती धूप में पढ़ रहे हैं और जनाब गर्दे में बैठते हैं। तो जनाब हमारी ये समस्या भी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये कहा जाए कि ये क्या वजह है, क्यों इस बिल्डिंग का काम बंद है, क्यों नहीं इसको मतलब मास्टर जी के हवाले किया गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या ये भी हमारी है। और यहाँ स्कूल में देखो ग्राउंड की क्या हालत, खस्ता हालत है। इसके बारे में जनाब हमारी रिक्वेस्ट है जनाब से कि ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि CO साहब के पास हम, जब मैं सरपंच था तो 20 बार गया, लेकिन जनाब कुछ न मिला। और यहाँ जनाब हमें टाइलें चाहिए ग्राउंड के लिए, क्योंकि हम सख्त परेशान हाल हैं, हमारे बच्चे जनाब गर्दे में, यहाँ मिट्टी काली है और जनाब यहाँ जनाब 5 मिनट में इंसान काला हो जाता है, इतनी परेशानी है। तो जनाब हमारी रिक्वेस्ट ये है। बताएं जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ स्टाफ की, एनरोलमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। इवन मैंने यहाँ टीचर्स से जो पूछा है, यहाँ HSS ये है हाई स्कूल, हाई स्कूल में मास्टर्स होते हैं 9th और 10th के लिए, यहाँ मास्टर ग्रेड की पोस्टें होनी चाहिए हैं और उनके लिए मास्टर्स होने चाहिए, और 8th से नीचे इनके लिए टीचर्स हैं जिनके पास 6 वैकेंट हैं। तो यहाँ 8th से नीचे भी टीचर्स भी नहीं है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, यहाँ जितने भी उसातजा आज काम कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो फिर भी ख्याल रख रहे हैं तमाम क्लासेस को और 9th 10th को भी पढ़ा रहे हैं। खासकर जैसे यहाँ जवाब सर हैं, ये 9th 10th को भी बड़ा जोर दे रहे हैं, सारी टीचर्स ने अपने जिम्मे लिया हुआ है एक एक सब्जेक्ट और वो पढ़ा रहे हैं, और सारी मास्टर्स की जो पोस्ट है वो खाली है। यहाँ पर दरखत दो, यहाँ पर दरखत, मैं आपको कहूँ कि दरखत बहुत अच्छा लगा है लेकिन उसमें फल बहुत कम है, और वजह क्या है कि उसमें सही खाद और सही सिंचाई नहीं की जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं CO साहब से या उनसे भी जो ऊपर है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस भड़तुंद की तरफ आप जरा नजर करें,
दूर दराज इलाका है, यहाँ आने की जहमत कीजिए, यहाँ यहाँ के लोगों की बात सुनिए, यहाँ की जो ये कमी है उसको पूरा कीजिए आप। इनके लिए मास्टर्स दे दीजिए, 9th-10th के लिए हमें मास्टर दे दीजिए यहाँ पर। जो बाकी टीचर्स की कमी है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं, यहाँ पर सारा काम जो 4-5 टीचर है उनको ही करना पड़ता है सारा काम। तो जैसे हमारे सबका सर्वे साहब ने भी कहा, काली मिट्टी है, एक दिन आते हैं बच्चे, दूसरे दिन उनकी वर्दी दोबारा लानी पर,